हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द केक रूम। सो गाइस, आज मैं बहुत ही प्यारा केक डेकोरेशन लेकर आई हूँ जो कि हमने बनाया होम इनॉग्रेशन के लिए। आज के इस वीडियो में इस केक का सबसे जो अट्रैक्टिव पार्ट है मैं वही मेन डिस्कस करने वाली हूँ। वैसे तो ये केक बहुत अर्जेंट में था तो इसलिए जल्दी जल्दी बनाना पड़ा, एंड डिटेलिंग में मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई, लेकिन इस केक की पूरी डिटेल आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं इसकी बैकिंग से। तो यहाँ पर ये केक जो है वो स्क्वायर शेप में है, एंड स्क्वायर शेप के लिए मैंने यूज़ किया 10x10 inches का केक टेप। एंड देन यहाँ पर केक को पूरा स्क्वायर शेप में फ्रॉस्टिंग कर लिए। साइड में जो फेंसिंग के लिए मैंने यूज़ की है ब्राउन कलर की व्हिप्ड क्रीम, एंड जो फ्लैट नोजल होती है उसकी हेल्प से मैंने यहाँ पर ये बाउंड्री फेंसिंग जो है वो बना दी है। एंड टॉप पे आप देख सकते हैं ग्रीन कलर की व्हिप्ड क्रीम को यूज़ करते हुए मैंने यहाँ पर ग्रीन ग्रास का लुक दे दिया है जो कि एकदम गार्डन वाला लुक दे रही है। एंड साइड में जो ब्राउन कलर की फेंसिंग है वो एकदम परफेक्ट हमारा जो घर का एरिया होता है वैसा लुक दे रही है। एंड अब आता है इस पूरे केक का ये जो अट्रैक्टिव पार्ट है वो है यहाँ पर ये जो मैंने हाउस बनाया है। इस हाउस को बनाने के लिए मैंने कम्प्लीटली जो डमी है उसको यूज किया। एकदम हाउस वाला परफेक्ट लुक देने के लिए यहाँ पर मैंने थर्माकोल शीट्स को स्टिक कर लिया, एंड जैसा ये हाउस है उसी शेप में मैंने उसको कट किया है। एंड देन कम्प्लीटली उसको मैंने कवर अप किया है फोंडेड से। थर्माकोल को शेप में कट करने के बाद इसके ऊपर फोंडेड अप्लाई करना बहुत ही आसान है। जैसा कि आप देख सकते हैं टॉप को मैंने ब्लू फोंडेड से कवर अप किया है, एंड साइड वॉल को एक्चुअल लुक देने के लिए यहाँ पर ब्राउन कलर का फोंडेड यूज किया। एंड देन जो हमारा हाउस है वो बनके रेडी हो गया जो कि एकदम एक्चुअल हाउस की तरह लग रहा है। सो हाउस हमारा रेडी है, एंड अब करते हैं इस केक का फाइनल डेकोरेशन। तो जैसे कि ये जो हाउस है इसका बॉटम प्लेस जो है वो थर्माकोल ही है, तो यहाँ पर उसके लिए मैंने सबसे पहले केक के ऊपर रख दिया बटर पेपर। बटर पेपर की साइज एकदम एग्जैक्टली सेम रखी है जो हमारा हाउस है उसकी जो साइज है उसके अकॉर्डिंग। एंड बटर पेपर एंड थर्माकोल के बॉटम को हमने स्टिक किया है डबल टैप से, तो यहाँ पर डबल टैप लगा के मैंने उसके ऊपर बटर पेपर के ऊपर इस हाउस को सेट कर दिया। अब इस हाउस में हम बना रहे हैं जो पाथ है आने जाने का जो रास्ता है वो बना रहे, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने बनाए हैं ब्लैक कलर के फोंडेड स्टोन। तो जो एरिया हमने खाली रखा था उस पूरे खाली एरिया में हमने ये जो फोंडेड स्टोन बनाए थे उनको अच्छे से सेट कर लेंगे। इस केक के टॉप को एकदम गार्डन वाला लुक देने के लिए यहाँ पर साथ में हमने फोंडेड के कुछ फ्लावर पॉट्स भी बनाए थे, उन फ्लावर पॉट्स को भी हम इस गार्डन में अच्छे से सेट कर देंगे। एंड देन इस केक का एक और अट्रैक्टिव पार्ट आता है जो कि है ये होम स्वीट होम का बोर्ड। तो इस बोर्ड को सेट करने में मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रही थी, समझ में नहीं आ रहा था कहाँ सेट करूँ। देन आई फाइनली डिसाइडेड के जो राइट साइड वाले फ्लावर पॉट है उनको आगे कर वहाँ पर इस बोर्ड को सेट कर दिया फाइनली मैंने, जो कि एकदम विजिबल है एंड दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। ये सब कुछ सेट करने के बाद यहाँ पर साथ में मैंने एक चीज और बनाई थी जो कि है ये फोंडेड की। तो इस केक को भी हमने इस केक के ऊपर अच्छे से सेट कर लिया, एंड यहाँ पर हमारा जो होम इनॉग्रेशन के लिए जो केक है वो एकदम परफेक्टली डिजाइन कर लिया हमने, जो कि दिखने में भी एकदम बहुत ही सुंदर यूनिक और एकदम रियल टाइप का घर लग रहा है। एंड अब ये है हमारे इस केक का फाइनल लुक जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है, एंड बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि इस हाउस के नीचे हमारा केक है। एंड गाइस, यहाँ पर मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिख के बताना इस केक को आपको रेटिंग देनी है 1 to 10 के बीच में। 1 है लोवेस्ट एंड 10 है हाइएस्ट। तो अगर आपको केक बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है तो प्लीज़ हाईएस्ट नंबर दीजिएगा, एंड आपको केक सो टाइप का लगा है तो आपको जैसा सही लगे वैसे नंबरिंग दीजिए, एंड रेटिंग करके ज़रूर बताना ये केक आपको कैसा लगा है। सो गाइज, ये था मेरा आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, एंड मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।